हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, और उसके लिए मैंने एक किलो गाजर धोकर लिए थे और उसे मैंने सब गाजर को घिस दिया है। तो चलिए हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सूरज ने अभी जाकर काजू लाया है, कितना अच्छा पैकिंग है, पॉकेट के अंदर पॉकेट है। बड़े बड़े इसके टुकड़े बनाएंगे। एक बार मैंने ऐसा ही ट्राई किया था गाजर का हलवा, इतना अच्छा बना था। उसके लिए मैं जैसा बनाया था वैसी रेसिपी बता रही हूँ आपको। डायरेक्ट हम ऐसे गैस पे रख देंगे कढ़ाई। इसमें जाएगा घी। ये गोवर्धन घी है। काजू बादाम को थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा भून चुके हैं, अब इसमें डालेंगे गाजर। इसे हम ऐसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे। हमने इसे 10 मिनट के लिए भुना है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें जाएगा मलाई वाला दूध। देखिए दूध के ऊपर बहुत अच्छी मलाई आ रही है। इसे भी हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे।
5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको डालेंगे शक्कर। थोड़ा सा नमक और आपके पास अगर इलायची है तो इलायची भी डाल सकते हो। हमारे पास इलायची नहीं भी है और सौराज को पसंद भी नहीं है। दस मिनट पकाने के बाद देखिए हमारा हलवा रेडी है। इतना टेस्टी लाजवाब बन गया है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। दूध डालकर 10 मिनट पकाइए। और ये अभी तो पतला लगता है और बाद में ये सब सूख जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अगर आपको हमारी हलवे की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।